दीदी नमस्ते। शीला देख, अब सब व्रत वगैरह सब कुछ निबट चुके हैं, अब तू मेरी दिवाली की ना चुपचाप सफाइयाँ शुरू करा दे। सारा सामान सिर तक ओवरलोडेड हुआ पड़ा, मैं रख रख के ना तंग हो गई हूँ। इस बार मुझे एक एक सामान फालतू का घर से बाहर निकालना। आज तो दीदी पुराने आइटम निकालेगी, सारा कुछ मेरे को ही मिलेगा। चल। हाँ जी, हाँ जी, चलो। देख बात सुन, पहले सारा सामान ना एक जगह इकट्ठा कर ले, और जो भी बेकार का सामान है उसे साइड में निकाल दीजा। ठीक है दीदी। ये पुरानी गंदी सी बाल्टी मैं ले जाऊं? अरे नहीं नहीं, ये तो पुराने औजार रखने के काम आ जाएगी, इसको रहने दे। ठीक है। और दीदी ये पुराने कपड़े, ये तो फैशन में भी नहीं रहे, अब तो आप पहनोगी भी नहीं। हाँ, इनको ना तू। मैं ले जाऊं? अरे नहीं नहीं, बैग में भर दे, डस्टिंग के काम आ जाते हैं। और ये गत्ते का डब्बा? अरे तू किचन साफ करेगी, किचन के बर्तन भरने के काम आ जाएगा, इसको भी रख ले। ठीक है। देखो इसमें कुछ कागज भी पड़े हो, काम के तो नहीं है? दिखाना जरा। ओहो, ये तो राज के 3 साल पुराने टेस्ट के पेपर्स हैं, शुरू से ही नालायक था। डाल दे रद्दी में। चलो कुछ तो फेंका। और दीदी जो खाली डब्बे हैं, या तो किसी को दे दो आप, या फिर इन्हें भी रद्दी में डालो। क्या मिलता है किसी को देखे, गुणगान गाता है तुम्हारे? नहीं, तुम्हारी बुराई करेगा इधर उधर जाके। इमरजेंसी में बहुत काम आते हैं, वापस रख इनको। लो रद्दी वाला, रोक लो इसे। मैं रोकूं? नहीं नहीं, मैं रोक रही हूँ। रद्दी क्या भाव ले रहे हो भैया? 8 रुपए है जी। भैया पिछले 8 साल से आप 8 रुपए ही बता रहे हो, 12 रुपए लगाओ। अजी 8 रुपए ही चल रहा रेट, लेकिन आप मुझे देते हो हर बार, तो मैं 10 रुपए लगा लूंगा। चलो आप इसके सारे के पैसे बताओ। हाँ लाओ, मैं तोल दूँ। आपकी तराजू ना वैसे भी आपकी मर्जी से ही चलती है, आप वैसे ही बता दो देख के। सारे के 80 लग जाएंगे जी। 80? कम से कम भी 200 रुपए का सामान है ये भैया। 100 रुपए से ऊपर एक पैसा नहीं दिया जाने का जी। अरे उठवा इस कूड़े को जितने में कह रहा है यार। आप तो रहने दो, आपका बस चले तो पूरा घर फ्री में उठवा दो। सजा ले फिर इसे घर। जाओ भैया, हमें नहीं देना। शीला उठा के रख ले इसको अंदर। ले, रद्दी भी नहीं फेंकी गई इन पे। दिवाली वेकेशंस, डिम्पी से सिंपिंग करूंगा, पटाखे फोड़ूंगा, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट, सारी ट्रेंडिंग वेब सीरीज देख मारूंगा। थैंक यू गॉड, मैं बहुत खुश हूँ यार। आ गया बेटा? नहीं नहीं, अभी रास्ते में हूँ। भूख लग रही है? ना ना, अभी भूख नहीं है। देख ले। अरे सही में नहीं लग रही। ठीक है तो फिर कपड़े बदल ले और एक्टिवा निकाल ले। इस बार सारी दिवाली की शॉपिंग तूने ही करानी है, दीदी नहीं आई इस बार। लो पहले कुछ खाने को ही दे दो, कम से कम जिंदा तो बचूंगा। नहीं नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है, पहले चल ले फिर आके खा लेना, मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। मम्मी यहाँ से क्या लेना है? भाई सबके लिए दिवाली की गिफ्ट्स लेने हैं मुझे। कितनी देर लगेगी? क्यों, जब तू अपने दोस्तों के यहाँ जाता है तो मुझे बता के जाता है कितनी देर लगेगी। मेरे दोस्त कहाँ से आ गए? चल इसमें राइस बन जाएगा, है ना, ये एग बॉयलर हो गया। मम्मी अभी कितनी देर लगेगी यार? ये छोटे बच्चों की तरह ना इरिटेट मत कर मुझे, काम हो जाएगा तो चलूंगी ना। ठीक है। मम्मी आप कहाँ कोने कोने में घुस रही हो, इतना ही है शॉप में, हो गया। चल सामान उठा। हो गया? हाँ यहाँ से हो गया, अब तेरों की बेडशीट लेनी है। मम्मी मेरी बेडशीट बहुत अच्छी है, मेरे को नहीं चाहिए। तेरे से पूछा नहीं है मैंने, चल चुपचाप। माधव लगे हाथ ही परछत्ती पे से लटकन बंधनवान वगैरह जो डेकोरेशन का सामान है ना वो भी उतार दे। अभी? हाँ और कब, सबने अपने घर में डेकोरेशन कर ली है, हमारे घर रह गया बस। कैसे फेंक रहा है? अरे मम्मी उतार दिया ना यार सब कुछ, अब मेरा हो गया ना बस। हाँ यहाँ का हो गया, अब जल्दी से नीचे उतार और इन सबको लगवा दे बस। ओ वेंकू ये देख, बुलेट बम बुलेट। अभी आग लगाऊंगा, तेरे पास है? मुझे भी दे दे। चुप भिखारी, जा अपने लेके आ। भैया पटाखे लेने चलो। भाई मैं नहीं जा रहा, शाम को चलेंगे, अभी आराम से बैठने दे मुझे। भैया बाहरो मिट्ठू मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे को भी मेरे पटाखे चाहिए और अभी चाहिए। तो तू उसके मुंह क्यों लग रहा है, हम शाम को चलेंगे। मम्मा पापा भी नहीं है घर में और राज भी अभी मेरे को पटाखे दिलाने नहीं लेके जा रहे, मैं खुद ही ले आता हूँ, अब मेरे को पैसे दे दो। माधव बड़ा है तू, अपने छोटे भाई का ध्यान नहीं रख सकता, जा उसको पटाखे दिला के लेके आ। बड़ा बड़ा बड़ा, मम्मी मैं बड़ा तो इसके पैदा होते ही हो गया था, उसके बाद कभी छोटा हो ही नहीं पाया। क्या कह रहा है? कुछ नहीं, जा रहा हूँ। ठीक है। भैया वो 2 पैकेट सुतली बम दे दो, 2 पैकेट बुलेट बम और वो बड़े वाले भी दे देना। भैया
सारे पटाखे आप अपनी पसंद के लिए जा रहे हो। तू भी ले ले जो लेना है, मैं रोका क्या है भाई। भैया फुलझड़ी दे दो, चक्री दे दो और फूक मार बम। फूक है तेरे में? है। और पेंसिल? हाँ ये सब भैया के लिए पैक कर दो, मेरे लिए रॉकेट, स्काई शॉट, आलू बम, बिजली बम और भैया टाइम बम होगा। अरे नहीं भैया टाइम बम कहाँ, आप तो बड़े खतरनाक आदमी हो। हाँ वो तो मैं हूँ। खैर वाओ मिंकू तू इतने बड़े बड़े बम फोड़ेगा। ऑब्वियसली ये बच्चे वाले पटाखे थोड़ी जलाऊंगा मैं। लो भैया तेरा हो गया हो तो घर चले। हाँ चलो बाय बाय। आ गया देख मलिंगा कितनी देर से वेट कर रहा है तेरा। हाय राज, वैसे केक काफी अच्छा है आंटी। है ना? और है आंटी? नहीं बेटा खत्म हो गया। और तूने ले लिया पटाखे? नहीं नहीं भाई मैं पटाखे नहीं लाता। अच्छा इको फ्रेंडली दिवाली मनाता है क्या? अरे नहीं नहीं भाई दिवाली तो मनानी चाहिए, त्योहार है हमारा। लेकिन पता नहीं मुझे पटाखे खरीदने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब तू पटाखे फोड़ता है या नहीं? हाँ और क्या, लेकिन खरीद के नहीं। अबे तो क्या पटाखों की दुकानों में आग लगा देता है क्या? अरे नहीं, जैसे ही हमारे पड़ोस में कोई पटाखे की लड़ी लगाता है ना तो उनमें सारे तो फूटने वाले हैं नहीं, तो मैं और मेरे पापा उनमें ना फूटने वाले पटाखों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब किसी के बॉक्स में एक दो फुलझड़ी एक्स्ट्रा बची हो तो मिल जाती है, मतलब वेस्ट क्यों जाने देने यार पटाखे। खेलो दिमाग से। सही है। और आंटी एक मजेदार बात और बताता हूँ। हाँ बता। अब आंटी हमारी मम्मी किसी के यहाँ मिठाई नहीं बांटती तो लोग गुस्से में आके हमारे घर सोन पापड़ी के डब्बे दे जाते हैं। अब उन्हें क्या पता हमें तो सोन पापड़ी पसंद है। तो मिठाई का काम ऐसे हो जाता है। वैसे राज तू लाया है इस बार पटाखों की लड़ी? नहीं 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 बेटा हम लोग नहीं लाए पटाखे इस बार। अरे ठीक है फिर मैं किसी और दोस्त से पूछता हूँ कौन लाया। थैंक यू आंटी केक बड़ा अच्छा था। अब तक मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा बेशर्म तू है। मुझे भी। हाँ भाई मिंकू पटाखे मुझे लाया गया, माची भी जलाता रहेगा। पटाखे हैं बहुत सारे, आप ही नहीं लाए होंगे। मैं? तीन पेटी पटाखे। हाँ बच्चों और पटाखे चाहिए हो तो बता देना। क्या भाई वो चमगादड़ नहीं दिखाई दे रहा? कौन सनी? हाँ आग लगे चाहे बस्ती में, चमगादड़ अपनी मस्ती में बाहर ही बैठा होगा। भैया आपको पता है सनी भैया तीन पेटी पटाखे लाए हैं। हाँ, तीन पेटी? भाई चलो उसके पास ही चलते हैं, वहीं जाके फोड़ेंगे सारे मिलके पटाखे। क्या यार मरेंगा तू भी, बैठ जा शांति से, मेरे पास भी बहुत पड़े हैं वो जला लियो तू। अरे भाई चलो ना प्लीज वहीं चलते हैं। चल। हाय सनी। वाओ इतने सारे पटाखे। अरे ये सारे पटाखे तो नाम के हैं, असली पटाखे तो कोई और है। तुम भी ना। गवर्नमेंट बस एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री कर दे, सबसे पहला खून इसी छिछोरे का करूंगा मैं। अरे छोड़ना दिवाली है। ओए सनी चल साथ मिलके जलाएं पटाखे। तू इतने सारे पटाखे लाया कि पूरी रात भी जलाएगा ना तब भी खत्म नहीं हो पाएंगे ना। मैंने सोचा है कि मैं इस बार ये पटाखे ना अकेले ही जलाऊंगा अपनी छत पे और देखूंगा भी खुद ही, क्योंकि भाई पैसा तो मैंने अकेले नहीं दिया है ना। तुम अपना अपने आप देख लो, मेरे लिए तो काफी है। भाई ऐसे क्या पटाखे ले आया है, इनकी तो आवाज भी हमसे डबल आ रही है। भाई मैं तो कह रहा हूँ ऊपर ही चलते हैं, बहुत मजा आएगा। बैठ। मैं नहीं यार, देखा नहीं वो कैसे बोल रहा था। अरे कोई नहीं ना यार, आंखें थोड़ी निकाल लेगा हमारी, देखने तो चली सकते हैं। हाँ चलना यार लकी, देख के तो आए। चलो बेइज्जती करा के आओगे फिर से। यार इतना जरूरी है क्या उसे देखना, और कितना ऊपर है? आवाज तो यहीं से आ रही है। चलो क्या हुआ देख ले भाई। ऐसा क्या देख लिया तुमने, दोनों की सुलग गई। हटो। 10,000 बम वाली लड़ियों की आवाज। साला नौटंकी। Hi guys, I hope you like this video. और तुमने देखा ही कि मैंने अपने दोस्तों के साथ क्या क्या किया है, तो अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा कमीना दोस्त है तो उसके साथ शेयर कर दो। और मैं तो सनी जैसा इकलौता ही पीस बना है इसलिए तुम शेयर किसी के साथ कर नहीं पाओगे, तो अपने मम्मी पापा चाचा चाची नाना नानी सबके साथ शेयर कर दो और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, क्या पता मैं पसंद आ जाऊँ। चलो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना मत जाना। हैप्पी दिवाली एंड Stay safe, save Diwali. Bye bye.